बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन चाउमीन, जो बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चे और बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं और बहुत आसानी से इसे घर में तैयार किया जा सकता है। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और ये गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून। लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, 200 ग्राम चिकन लिया था और ये बोनलेस चिकन है, इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है, चिकन ने जो पानी छोड़ा था उसी के अंदर ये गल चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे गाजर, 1 कप गाजर है जिसे हमने जूलियन कटिंग कर लिया है, 1 कप शिमला मिर्च इसे भी जूलियन कटिंग किया है, 1 कप बंद गोभी, बस 1 मिनट तक फ्राई करना है। सब्जियों को हमने ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। अब ये 1 मिनट तक फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप रेड चिल्ली भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें विनेगर, 3 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें सोया सॉस, 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें चिल्ली सॉस। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पैगेटी, जिसे हमने पहले से बॉईल कर लिया था, 200 ग्राम स्पैगेटी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्पैगेटी को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये गर्म भी हो जाए और तमाम सब्जियां और मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चिकन चाउमीन हमारा बिल्कुल तैयार है, इसे हम सर्व करते हैं। चिकन चाउमीन हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे डिनर में बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।